लंबा नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे फ्रेंड्स, आप सबको शामदीद कहते हैं आपके अपने चैनल काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट में। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला आप सब खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी आप सबकी दुआ और अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट और मजे में। तो देखिए फ्रेंड, मेरे चैनल का नाम है काशिफ सुल्तान एंटरटेनमेंट। चैनल पर जो है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो फुल वॉच किया करें। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखें। कमेंट में आप अपनी कीमती राय भी वीडियो रिलेटेड लिख सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं और मेरी प्यारी सिस्टर जो कि बिहाइंड द कैमरा, हम आपके सारे कमेंट्स जरूर रीड करेंगे और कमेंट सजेशंस पर अमल भी करेंगे। थैंक यू। तो हमारा दूसरा चैनल है ब्लू ब्लडेड, वहां पर भी विजिट करें। इंशाल्लाह ताला आपको वीडियोस बहुत अच्छी लगेंगी। उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, फैमिली और फ्रेंड्स से ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करें और लाइक भी करें। ठीक है, तो हमारे चैनल पर ज्यादातर इवनिंग टू डिनर टाइम शेयर किया जाता है। इवनिंग में टी टाइम शेयर की जाती है। हमारे घर में रोज की रूटीन होती है कि बाड़े से आता है फ्रेश मिल्क, दूध निकाला जाता है, शाम की अच्छी सी चाय बनाई जाती है, चाय के साथ कुछ स्नैक्स होते हैं या बाजार से आते हैं या घर में बनाए जाते हैं, और इसके अलावा फिर हम डिनर तैयार करते हैं। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज भी शाम की चाय रख दी गई है और इधर है प्रेशर कुकर। आज बहुत सी चीजें बन रही है, शाम में दूध भी आया हुआ है, ये पड़ा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले चाय भी बन रही है, चाय बना लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चलेगी चाय पत्ती, इलायची खत्म। अच्छा, तो नई पीस पर रख लिए। यस बिल्कुल। ये देखें, बस कावा कड़ेगा ना तो फिर इसमें दूध डालेंगे। ठीक है, दूध यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, दूध भी मैं निकालता हूँ। उससे पहले मैं क्या कर लेता हूँ कि मैं थोड़ी सी स्पेस बना लू। ठीक है, तो आज देखिए चाय के साथ है ब्रेड और बटर। ठीक है, ये नूरपुर का बटर है, यही हमारा सबका फेवरेट है। yes. नूरपुर बटर, ब्रेड और बटर भी हम चाय के साथ खाते होते हैं, खाते हैं। yes. तो ये ब्रेड और बटर है। और इसके अलावा आज डिनर में बनेंगे कोफ्ते। ये कोफ्ते हमने ब्लू ब्लडेड चैनल पर प्रीपेड किए थे, तो उसकी उधर वीडियो मिलेगी आपको। ये प्रीपेड करके फ्रीज करके रखे हुए थे। ये मटन के कोफ्ते हैं, यानी कि बकरे के गोश्त के कोफ्ते हैं। बकरे का गोश्त हमने घर पे जो है मशीन से प्रोसेस करके तो ये कोफ्ते बनाए हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या किया था, हमने लिया था मटन का गोश्त तकरीबन 2-2.5 किलो। उसमें लहसुन प्याज अदरक हरी मिर्च और सूखे मसाले जिसमें रेड मिर्च काली मिर्च नमक गरम मसाला सूखा धनिया सफेद जीरा ये सब चीजें डाल के हमने इसको मशीन से ग्राइंड किया था। और उसके अलावा फिर इसको मिक्स करके और इस तरह से गोले से बना के रख लिया था। ठीक है, कोफ्ते बना के रख लिया था। ठीक है, तो आज आज शाम को हम बना रहे हैं बकरे की यखनी। ठीक है, ठीक है, ये भी हमारे घर में जरूर बनती है यखनी, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, हमारे घर में जरूर यखनी बनती है। ठीक है, तो सर्दियों में तो खैर बहुत ज्यादा बनती है, पर गर्मियों में ही हम यखनी पीते रहते हैं। तो बकरे की यखनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर बकरे का गोश्त ले लिया। देखो ये जी जी बिल्कुल। तो जितने में हमारी चाय बनेगी ना, इतने में हमारी यखनी भी तैयार हो जाएगी। फिर हम सब जो है ना यखनी भी पी लेंगे। ठीक है, डिनर से पहले। यस इंशाल्लाह। तो यखनी बनाने के लिए तकरीबन हमने बकरे का 1 किलो गोश्त ले लिया ना जी बिल्कुल, और हड्डी के साथ है। इसमें जाएगा ये कितने लहसुन प्याज, एक लहसुन है और 2 प्याज है दरमियान, एक लहसुन पूरा जाएगा और 2 प्याज जाएगी। ठीक है, प्याज ज्यादा होगी ना तो फिर यखनी बेकार हो जाएगी।
और इसमें जाएगी ये देखें फ्रेश फ्रेश अदरक, अदरक बहुत महंगी है 800 रुपए किलो है और हम खानों में जरूर यूज करते हैं। ठीक है, और हमारे घर में लहसुन अदरक जो है पीस कर नहीं रखा जाता, फ्रेश ही पीसा जाता, फ्रेश ही यूज किया जाता है। बड़ी फ्रेश अदरक है, ये चलेगी सारी। चला जाएगा पानी, सही हो गया। ये लाइट से यखनी बनेगी? जी लाइट से यखनी होगी। हमारे घर में यखनी जो है सालन की तरह बनाई जाती है, बिल्कुल सूखी सूखी नहीं खाई जाती। देखा ये सब्जी अभी आई है तो इसमें से अभी निकालनी है, पर मैं एक टमाटर ले लेता हूँ। ठीक है, एक डालू दो डालू? दो, एक डलेगा, एक भाई एक डलेगा। यस यस, सालन की तरह बन जाएगी वो चीज। ये चला गया, यस। इसमें जाएंगे कुछ मसाले, इसका देखो क्या हो। इसमें अब हम डालेंगे लहसुन। देखो इसमें क्या डालेंगे हम? मसाले डालेंगे, जिसमें साल्ट डालेंगे, ग्रीन चिली, रेड चिली डालेंगे, टर्मिक पाउडर डालेंगे ना, यस, और ब्लैक पेपर डालेंगे। ये गया इसमें नमक, बेटा ये चमचे खाएंगे। ये गई इसमें हल्दी, ठीक है, यस। ये गई इसमें रेड चिली, रेड चिली, ठीक है, थोड़ी सी काली मिर्च भी जाएगी इसमें, और इसमें जाएगा बिस्मिल्लाह, इसके अंदर आ गया तुमसे गरम मसाला, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा गरम मसाला, सफेद जीरा मस्त है, भूजते हैं ना तो सफेद जीरा जाएगा, सही है, यस, और सूखा धनिया तो मेरा फेवरेट है सबसे ज्यादा, यस यस यस, सही है, ठीक है। ये यखनी होगी बस सालन की तरह होगी, बहुत तीखी सी यखनी हमारे घर में नहीं पी जाती, बिल्कुल। ये सब चला गया इसमें, चला देगा थोड़ा सा और पानी, यस। चला देगा कुकिंग ऑयल, कुकिंग ऑयल, इसमें ऑयल भी जो है दरमियाना होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा ऑयल तैरता हुआ यखनी नहीं पी जाती, बस ठीक है, और ना दाल बन ज्यादा हो जाएगी, सही है, जरा सी काली मिल जाएगी ये, इससे पहले हम इसे चढ़ा देते हैं, और ये पड़ी है काली मिर्च का डब्बा पड़ी है, ये ना काली मिर्च यखनी में जरूर जाती है, ठीक, ज्यादा ही डालेंगे कड़वी हो जाती है। सही हो गया, यस। अब हम दूध निकालते हैं, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, yes।
इसमें क्या करना है ना, पानी इसलिए थोड़ा डाला है कि हमें पहले ना इसकी बुनाई करेंगे, गोश्त खोलना है, खोल के बुनाई करनी है ना जी, गोश्त खोल के भूनना है। चलिए भैया इसकी कुकर की लीड लगा देते हैं, ठीक है। यस, और विसल ये पड़ी है, ये दूध की देखी है सिस्टर ने, पहले धोएगी फिर अभी खंगाली है। अब हम इसमें दूध डाल देंगे, ये जनती चाहिए। दूध हमने डाल दिए, थोड़ी देर बाद चाय भी तीन उबाल दे के ना हम हल्की आंच पे रखते हैं, ठीक है, ताकि अच्छी कड़ी मिले, ठीक है। प्रेशर कुकर मैंने बंद कर दिया और अब सब्जी निकाल लेते हैं, ठीक है। टमाटर है, ये हरी मिर्चे, ये मेरे ख्याल में तैयार हो गई है ना, यस, इसलिए दवा भी इसमें दी है। ये है डैड फेवरेट भिंडी, दो के रख दो, भिंडी दो के रख दो, बेशक हाँ हाँ, छानी में थोड़ी वो स्टेन हो जाएगी, फिर मैं कल धो लेंगे ताजी, जिस टाइम काटेंगे ना उस टाइम धो लेंगे, अच्छा सामान है ये सब, ठीक है, ये देखो क्या कर रहे हैं ना, तुम्हारे पास इस गोश्त को भूनना है, बताओ बकरे का गोश्त फूल गया, हमें इसे
थोड़ा सा भूनना है, भून के फिर इसमें पानी डालेंगे यखनी के साथ का, ठीक है? ठीक है, तब तक हम चाय साफ कर देते हैं। आप मीठी यस 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 मीठी मीठी हम डाल लेंगे चीनी। थोड़ी सी चीनी पकाते हैं फिर मिलते हैं। चाय रेडी है, ठीक है भाई। चाय को सर्व करते हैं और क्या करते हैं, प्रेशर कुकर बुनाई वाला काम करीब कर लेते हैं, दूध उधर उधर उबलता रहेगा। ठीक है भाई, इसके बाद फिर हम डिनर चढ़ा देंगे। अच्छा ठीक है, डिनर में आज हम बनाएंगे कोफ्ते। यस, ये देखना डंडी से ना पाँव पे गिरेगी सारी चाय। चल थोड़ा सा दूध उबल जाए ना फिर चाय में साल डालेंगे। देखिए फ्रेंड, गोश्त हमने भून लिया साथ में मसाला भी, तो बहुत ज्यादा गोश्त को भूनते ही नहीं है, नहीं तो ये काला सा हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसमें पांच प्यालों के हिसाब की यखनी डाल दूंगा। ठीक है जी, ये यखनी जितने में हम चाय चाय पियेंगे ना यखनी, फिर हम सब कर देंगे और फिर हम डिनर बनाएंगे इंशाल्लाह। देखो बहुत पतली नहीं जी, बस ठीक है भाई। हाँ बिल्कुल, चलो थोड़ी पकेगी बिना हड्डियों का जूस वगैरह जूस निकलेगा। यस, अच्छी तरह गल रही है। हाँ अच्छी तरह गल रही है, यखनी का मतलब ये होता है कि जूसेस देखिए। ठीक है, अब हम इसे लिड लगा देंगे, दूध देखना। ठीक है, ठीक है भाई। साथ में दूध को भी उबाली आ रही है, इसको हम बंद कर देंगे और सेकेंड डोर चढ़ाएंगे। और ये अब ना विसल आने के बाद 15 मिनट तक पकेगा। ठीक है, ठीक है, इसमें तो हम चाय एंजॉय करेंगे साथ ब्रेड के साथ। अब देखिए हमारे वो भी बन गया, क्या कहते हैं, दूध भी काट गया ना। यस, यस। हो गया हमारा काम तमाम। तमाम इसके ऊपर डाल देंगे। ठीक है, माशाल्लाह।
छोटा खोंचा ले लेते हैं। खोंचा पव्वा, यस, इसको हम कहते हैं अपनी लैंग्वेज में खोंचा। खोंचा वैसे पंजाब में इसे पव्वा कहा जाता है जी। प्यारी वालदा, प्यारी वाली, यस, प्यारा भाई जुनेद, यस, ये है प्यारी सिस्टर, यस, ये है प्यारे, ये है प्यारे काशी भाई, प्यारे वाले साहब, प्यारी वालदा साहिबा, प्यारा यूट्यूब चैनल, जो मेरा काशी भाई। चलो जी, ये हो गया हमारा दूध भी खा गया और हमने कर लिया चाय साहब का मक्खन लगाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ब्रेड वो पड़ी भाई। तो देखिए फ्रेंड्स, आजकल ना ब्रेड, पहले पहले ब्रेड होता था खराब आ जाती थी, ठीक है, वापस करने जा रहे होते थे। आजकल ब्रेड पे ना वैसे अब भी वापस हो जाती है, पर इस पे एक्सपायरी लिखी होती है, ये देखिए बेस्ट बिफोर लिखी हुई है इस पे, ठीक है, यस। अब ये एक्सपायरी होने का इसका खतरा कम ही है ना जी भाई, बिल्कुल। एक प्लेट वाले बस बिल्कुल, ब्रेड हमारी गर्म हो गई है, हाथ लगा के गर्मा करें जी, जैसे फ्रेश आई है। कितने स्लाइस बना लो, सबके दो दो बना लो ऐसे, वो एक को ना ऐसे फोल्ड कर देते, ब्रेड लेने दो, यस, प्रेशर कुकर पेट्रोल हो ये मेल्ट हो गई है ना, उसको पूरा करके यहां से चल रहे, मीठी चाय के साथ स्लाइसेस बहुत पसंद है ना, यस, बहुत टेस्टी है, ये देखो मेल्ट हुआ हुआ ज्यादा अच्छा लगता है, पर जो ठंडा ठंडा होता है ना बीच में वो भी अच्छा लगता है। ओहो, बहुत
होते हैं ना कुछ लोग, हम डाइट कॉन्शियस जैसे पलवान। चलो भाई दे, चलो जी अब सिस्टर सर्व करती हैं ब्रेड स्लाइस, ब्रेड बटर स्लाइसेस, टी और दूध करने के लिए रखा हुआ है, और बस यखनी 15 मिनट में तैयार हो जाएगी जब तक हम चाय के साथ मक्खन वाले टोस्ट जो है तनावल फरमाएंगे। ठीक है तो देखिए फ्रेंड यखनी बन गई है। यस हम यखनी सर्व करते हैं और साथ ही हम कोफ्ते भी चढ़ा देंगे। ठीक है ठीक है, मुझे लेने तो प्लेट है। अरे ये थोड़ा ज्यादा फैल गए। एक दो तीन चार पांच 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 फैमिली मेंबर, पांच ब्यूटीफुल पीपल। अब देखिए यखनी डाल लेते हैं। ये देखिए दिखाओ जरा यखनी, ये ना बहुत ज्यादा गाढ़ी है ना बहुत ज्यादा पतली है, और ये सालन की तरह बनी है। ठीक है इसमें सबसे पहले हम हमारे घर वाले सारे यखनी एंजॉय करेंगे। yes. इतने में हम डिनर बना देंगे। और ये वाली यखनी ना हमारे घर में मतलब ऐसे नहीं पी जा रही कि गर्मी में, ये गर्मी सर्दी दोनों में पी जा रही। दोनों में पी जा रही बिल्कुल। ये बत्ती बनती है हमारे घर में, बकरे की यखनी, चिकन की यखनी, बीफ की कम बनती है, चिकन की ज्यादा और बकरे की ज्यादा। बिल्कुल भाई किसके काम है इसमें डाली है तीन यस इसमें दो है गोटी ऐसे लो एक बहुत अच्छी चीज होती है सेहत के लिए, ताकत देती है। इसके अलावा कोई भी बीमारी हो ना उसमें ये काफी अच्छी है, बीमारी को रिकवर करने में। बिल्कुल 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 आपने कितने दिन बाद कहा, ये तो डायलॉग हो गया। बाकी मसाले के लिए रहने दे, मसाला डालेंगे बच्चे। तो देखिए मेरी और सिस्टर की नोक जोक, चिट चैट, नोक जोक तो चिट चैट कर रहे हैं। हम इधर कर रहे हैं, मामा बिल्ली से कर रही है। चलो
अब सिस्टर प्यारी ना यखनी जो है सर्व करेंगे, ठीक है सबको? ठीक है। फ्लश भी नहीं आपने ऑन किया, और ये मानो भी है, ये मानो दिखाओ, फ्लश के बगैर ही दिखाओ जी। तो देखिए फ्रेंड्स, सिस्टर आप जो है यखनी सबको सर्व करेंगी इंशाल्लाह। चलो